Students, welcome you all on English Literature Topics platform. In this video, I will answer the question of a student. The question is, what is ontology and what is extrinsic and intrinsic? So student, let's begin. Student, if you want to know about ontology, then you should read about New Criticism. You can watch my video on the topic New Criticism. What is New Criticism? New Criticism is also a very important literary criticism, which time span is 1940 to 1960, and New Criticism focuses on the text, only text. It talks about only text. So student, what is ontology? देखो, ontology जो है, उसको अगर आपको जानना है, तो आपको New Criticism को पढ़ना चाहिए. न्यू क्रिटिसिज्म पे आप मेरा वीडियो देख सकते हैं. न्यू क्रिटिसिज्म क्या है? न्यू क्रिटिसिज्म बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, जो कि जॉन ग्रॉन रैनसम की 1941 में बुक आई थी सेम नेम से, न्यू क्रिटिसिज्म से, उसमें इसके बारे में बताया गया है. न्यू क्रिटिसिज्म में क्या बताया गया है कि कोई भी हमारे पास पीस ऑफ राइटिंग है, तो उसके लिए हमारा टेक्स्ट जो है वही इम्पॉर्टेंट है. हमें ऑथर की बायोग्राफी से, उसकी हिस्ट्री से कोई मतलब नहीं है. ठीक है, हमारे पास में जो टेक्स्ट है, एक लिटरी पीस ऑफ राइटिंग है हमारे पास में, उसके उसका टेक्स्ट ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. उसमें जो लिटरी डिवाइसेस यूज हुई है, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. इसमें जो ऑथर का खुद का क्या जो है फीलिंग है, उसके क्या इमोशंस है, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है. ये कौन बात करते हैं? ये न्यू क्रिटिसिज्म के पायनियर्स बात करते हैं. इतना आपको क्लियर हुआ कि न्यू क्रिटिसिज्म क्या है? न्यू क्रिटिसिज्म जो है वो एक लिटरी क्रिटिसिज्म है. वो क्या बात करता है? सिर्फ टेक्स्ट पे बात करता है. वो फोकस करता है ओनली ऑन टेक्स्ट. ठीक है, वो कहता है कि टेक्स्ट हमारे लिए, किसी भी पीस ऑफ राइटिंग का टेक्स्ट जो है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. उसमें जो लिटरी डिवाइसेस यूज हुई है, लाइक मेटाफर, सिमली, ये सब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. हमें ऑथर की बायोग्राफी से, हिस्ट्री से कोई मतलब नहीं है. ये बात कर रहा है न्यू क्रिटिसिज्म. और ऑन्टोलॉजी क्या है? देखो, जॉन क्रॉन रैनसम का ऐसे है जिसका नाम है पोइट्री अ नोट ऑन ऑन्टोलॉजी. पोइट्री अ नोट ऑन ऑन्टोलॉजी, ये ऐसे है. इसमें जॉन क्रॉन, आप एक तरह से बोल सकते हैं कि ये जो टर्म है ऑन्टोलॉजी, ये जॉन क्रॉन रैनसम ने ही दी है. और इनका जो ऐसे है पोइट्री अ नोट ऑन ऑन्टोलॉजी, उसमें वो बात करते हैं ऑन्टोलॉजी पे. ऑन्टोलॉजी क्या है, मैं आपको रीड आउट करके बता देती हूँ. रैनसम्स ऑन्टोलॉजी क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट्स दैट अ टेक्स्ट हैज इट्स ओन एसेंस. देखो, वही बात आ गई न्यू क्रिटिसिज्म वाली, क्योंकि न्यू क्रिटिसिज्म के भी इम्पॉर्टेंट क्रिटिक कौन है? जॉन क्रॉन रैनसम है. तो वो यही बात करेंगे कि रैनसम्स ऑन्टोलॉजी क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट दैट अ टेक्स्ट हैज इट्स ओन एसेंस विच इज सफिशियंट इन इट्सेल्फ फॉर इंटरप्रिटेशन. ठीक है, विच इज सफिशियंट इन इट्सेल्फ फॉर इंटरप्रिटेशन. दिस मॉडल ऑफ क्रिटिसिज्म डज नॉट अलाउ द क्रिटिक टू गो बियॉन्ड द टेक्स्ट. मतलब इसमें ऑन्टोलॉजी में क्या है कि वो ऑन्टोलॉजी में रीडर को अलाउ नहीं किया जाता कि वो बियॉन्ड द टेक्स्ट कुछ बात करे. उसको टेक्स्ट के अंदर, टेक्स्ट को ही समझना है. टेक्स्ट के बियॉन्ड कुछ भी बात नहीं करनी है, दैट इज ऑन्टोलॉजी. ठीक है, टेक्स्ट के बियॉन्ड आप कुछ बात नहीं करेंगे, ये ऑन्टोलॉजी है. इस बुक में जो पर्टिकुलर जो ऐसे था पोइट्री नॉट ऑन ऑन्टोलॉजी, इसमें जॉन क्रॉन रैनसम ने टू मेजर टाइप की पोइट्री बताई है. ठीक है, टू मेजर टाइप की पोइट्री बताई है उन्होंने. फर्स्ट पोइट्री बताई है फिजिकल पोइट्री, एंड द सेकेंड इज प्लेटोनिक पोइट्री. फिजिकल पोइट्री एंड प्लेटोनिक पोइट्री, ये दो मेजर पोइट्री के टाइप बताए इन्होंने. उसके बाद इन्होंने दोनों का मिक्सचर जो है वो बताया है. थर्ड इज मेटाफिजिकल पोइट्री. ठीक है, इस तरह से आप बोल सकते हैं कि इन्होंने थ्री टाइप्स बता दिए पोइट्री के. फर्स्ट इज फिजिकल, एंड द सेकेंड इज प्लेटोनिक, एंड द थर्ड इज मेटाफिजिकल, जो कि प्लेटोनिक और फिजिकल का मिक्सचर है. ठीक है, अभी क्या बात करते हैं फिजिकल पोइट्री में. फिजिकल पोइट्री में ये बात करते हैं, फिजिकल पोइट्री कंसर्न विद मटीरियल एंड सरफेस अपीयरेंस. ठीक है, फिजिकल पोइट्री क्या बात करती है? फिजिकल पोइट्री बात करती है कि जो थिंग्स है, थिंग्स पे बात करती है ना, चीज़ों पे बात करती है. इसको आप बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक पोइट्री बोल सकते हैं फिजिकल पोइट्री को. यही बात करती है फिजिकल पोइट्री, बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक हो जाती है ये जो है
कंसर्न विद मटीरियल एंड सरफेस अपेरेंस, इस पे बात करते हैं। प्लेटोनिक पोइट्री क्या बात करती है? प्लेटोनिक पोइट्री डील्स विद आइडियाज, आइडियाज के साथ डील करती है। देखो फिजिकल पोइट्री थिंग्स पे डील कर रही है, ठीक है, थिंग्स पे बात करती है, और प्लेटोनिक पोइट्री बात करती है आइडियाज पे। आप बोल सकते हैं कि रोमांटिक और विक्टोरियन एज में जो पोइट्रीज लिखी गई थी वो ज़्यादातर प्लेटोनिक पोइट्री थी। इट्स मेन एम टू एक्सप्रेस आइडियाज, जो प्लेटोनिक पोइट्री है उसका मेन एम क्या है, एक्सप्रेस आइडियाज, फिलोसफी, ट्रूथ एंड मॉरेलिटी। फिलोसफी ट्रूथ एंड मॉरेलिटी जो है इसका मेन एम है, ठीक है, एक्सप्रेस करना आइडिया को, फिलोसफी, ट्रूथ एंड मॉरेलिटी। Ode on the Grecian Urn, which is written by John Keats, is very important example of Platonic poetry. Platonic poetry का अच्छा example Ode on the Grecian Urn poem को बोल सकते हैं। ये क्या करती है Platonic poetry में, क्या इमेज जो है वो destroy हो जाती है। ये बहुत ज़्यादा idealistic है, जैसे physical poetry बहुत ज़्यादा realistic है, वैसे ही Platonic poetry बहुत ज़्यादा idealistic है, और ये एक तरह से एब्स्ट्रिक्ट भी आप इसे बोल सकते हैं। अब थर्ड वन इज मेटाफिजिकल पोइट्री। मेटाफिजिकल पोइट्री जो है, मेटा मींस बियॉन्ड एंड फिजिकल मींस फिजिकल वर्ल्ड। सो बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड जो पोइट्री लिखी जाती है वो मेटाफिजिकल पोइट्री होती है। मेटाफिजिकल पोइट्री के फेवर में रैंसम है, बाकी फिजिकल पोइट्री और प्लेटोनिक पोइट्री को वो फेवर नहीं करते हैं। जॉन क्रॉन रैंसम वो मेटाफिजिकल पोइट्री को फेवर करते हैं। मेटाफिजिकल पोइट्री को फेवर क्यों करते हैं? क्योंकि ये बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड है। मेटाफिजिकल पोइट्री जो है आप बोल सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट पोइट इसके जॉन डन माने जाते हैं। आपने मेटाफिजिकल पोइट्री के बारे में तो पढ़ा भी होगा, आपके बीए में ही जो है मेटाफिजिकल पोइट्रीज हैं। तो मेटाफिजिकल पोइट्री में कंसीट का यूज होता है। कंसीट का यूज मतलब एक तरह से एक टाइप का मेटाफर है जो फार फेस्ड इमेज में लिखा जाता है, ठीक है। कंसीट जो है इज अ टाइप ऑफ मेटाफर जो फार फेस्ड इमेज में लिखा जाता है। तो इसको ये फेवर क्यों करते हैं? क्योंकि इनका खुद का भी थिंकिंग यही है कि कोई भी आपके पास पोएम है या कोई भी पोएम का टेक्स्ट है, वो टेक्स्ट ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, उसके जो लिटरेरी डिवाइसेज है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इससे हमें इमोशन या फीलिंग टच नहीं करनी है। प्लेटोनिक पोइट्री और फिजिकल पोइट्री में क्या इमोशन और फीलिंग टच हो रही है, ठीक है, आइडिया या थिंग्स टच हो रही है, तो ये इसको फेवर नहीं करते जॉन क्रॉन रैंसम। ये मेटाफिजिकल पोइट्री को जो है फेवर करते हैं क्योंकि इसमें कंसीट का यूज होता है, इसमें मेटाफर का यूज होता है, और ये जो टाइप है पोइट्री का ये इनको ठीक लगता है। उसके अलावा ये जो है बात करते हैं कि ऑन्टोलॉजी क्या है, यही है कि एक टेक्स्ट पे बात करना, इसका अपना खुद का एसेंस है, which is sufficient in itself for interpretation. This model of criticism does not allow to critic to go beyond the text. ये जो criticism है ये critic को beyond the text जाने का allow नहीं करता है, ये ontology है। तो एक तरह से आप new criticism को ontology बोल सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है, इसमें term है, two terms, जिसको extrinsic और intrinsic बोला गया है। extrinsic क्या है? extrinsic means extrinsic criticism is the background information such as the time period, the author's biography, historical reference, इन सब चीज़ों से new criticism का कोई मतलब नहीं था। author की biography से, history से, है ना, background से कोई मतलब नहीं था। तो यहाँ भी John Cron Ransom जो है extrinsic को जो है favor नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि हमें ऑथर की बायोग्राफी से, उसकी हिस्ट्री से, उसके बैकग्राउंड से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ टेक्स्ट से मतलब है, ठीक है। हमारे लिए सिर्फ जो पेज पे लिखा गया है वो इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो एक्सट्रिंसिक टर्म है इसको ये फेवर नहीं करते। और एक्सट्रिंसिक टर्म का मतलब क्या है कि जो ऑथर की बायोग्राफी है, जो हिस्ट्री है, वो सब एक्सट्रिंसिक है, ठीक है। इट इज़ द बैकग्राउंड, एक्सट्रिंसिक क्रिटिसिज्म इज द बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन सच एज द टाइम पीरियड, द ऑथर्स बायोग्राफी एंड हिस्टोरिकल रेफरेंस। इसका अच्छा एग्जाम्पल है एमली डिकिंसन की पोयम द वाइफ। इट इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रिंसिक क्रिटिसिज्म। अब सेकेंड टर्म इसकी है इंट्रिंसिक एटीट्यूड। ये इसके की वर्ड्स बोल सकते हो आप, जो न्यू क्रिटिसिज्म है उसके ही आप की वर्ड्स बोल सकते हो, की टर्म्स बोल सकते हो, ऑन्टोलॉजी को, एक्सट्रिंसिक को, इंट्रिंसिक को। तो एक्सट्रिंसिक क्या था?
किसी भी ऑथर का हिस्ट्री या बायोग्राफी, ये एक्सट्रिंसिक था। इंट्रिंसिक क्या है, जिसको जॉन क्रॉन रैंसम या ऑन्टोलॉजी फेवर करती है, किसको फेवर करती है, इंट्रिंसिक को। इंट्रिंसिक क्या है, इंट्रिंसिक एटीट्यूड इज मेनली कंसर्न्ड विद द फॉर्म, लैंग्वेज, स्टाइल, सिंबल्स, इमेज, कॉन्ट्रास्ट, स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट ऑफ प्लॉट इन अ लिटरेरी वर्क, वर्ड्स ऑन द पेज, पेज पे जो वर्ड्स लिखे गए हैं उनको, और टेक्स्ट अलोन इज इम्पॉर्टेंट। इंट्रिंसिक के लिए क्या है, टेक्स्ट अलोन इज इम्पॉर्टेंट, कि जो टेक्स्ट है अकेला ही वो क्या है, इम्पॉर्टेंट है। ये किस किस को फॉलो करते हैं, ये जो टेक्स्ट में जो फॉर्म है, जो लिटरेरी डिवाइसेस है, जो सिंबल्स है, डेवलपमेंट ऑफ प्लॉट इन अ लिटरेचर, और स्टाइल है, कौन सी स्टाइल यूज हुई है, ठीक है, कौन सी इमेज है, कौन सी लैंग्वेज यूज हुई है, तो ये जो लिटरेरी टर्म्स है, लिटरेरी डिवाइसेस है, उनको फेवर करता है इंट्रिंसिक। तो इंट्रिंसिक अगर उनको फेवर करता है, तो ऑब्वियस बात है कि जॉन क्रॉन रैंसम जो कि ऑन्टोलॉजी बताते हैं, वो किसको फेवर करेंगे, इंट्रिंसिक को फेवर करेंगे। सो ये है ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी इज अ टाइप ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म, आप बोल सकते हैं, जो सिर्फ टेक्स्ट को ही जो है फेवर करता है। वो कहता है कि हमारे लिए टेक्स्ट के बियॉन्ड कुछ भी नहीं है, टेक्स्ट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, टेक्स्ट में जो भी लैंग्वेज यूज हुई है, जो स्टाइल यूज हुई है, जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुई है, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हमारे लिए एक्सट्रिंसिक इम्पॉर्टेंट नहीं है। एक्सट्रिंसिक क्या है, जो ऑथर की इंफॉर्मेशन है, ऑथर के बारे में हिस्ट्री है, उसकी बायोग्राफी है, या कोई भी पास्ट में कुछ है, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। एक्सट्रिंसिक इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन ऑन्टोलॉजी, इन न्यू क्रिटिसिज्म, एंड इंट्रिंसिक इज इम्पॉर्टेंट। इंट्रिंसिक क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये बात करता है वर्ड्स ऑन पेज, जो पेज पे वर्ड्स लिखे गए हैं उनके बारे में, और टेक्स्ट अलोन इज इम्पॉर्टेंट, ये बात करता है कि टेक्स्ट अलोन ही इम्पॉर्टेंट है, उसके अलावा जो भी लैंग्वेज, सिंबल्स, स्टाइल, इमेज, कॉन्ट्रास्ट, स्ट्रक्चर यूज हुआ है उसके बारे में बात करता है, इसीलिए इंट्रिंसिक इज इम्पॉर्टेंट। सो आई होप आपको समझ आया होगा। देखो, आपको अगर ऑन्टोलॉजी को अच्छे से समझना है, तो आप न्यू क्रिटिसिज्म पे वीडियो देखें। न्यू क्रिटिसिज्म और ऑन्टोलॉजी सेम ही है, ठीक है, ये दोनों टेक्स्ट पे ही बात करते हैं। ऑन्टोलॉजी जो है वो एक ऐसे है, पोइट्री, पूरे ऐसे का नाम है, पोइट्री नोट ऑन ऑन्टोलॉजी, जो किसने लिखा है, जॉन क्रॉन रैंसम ने। और जॉन क्रॉन रैंसम ने ही न्यू क्रिटिसिज्म लिखा था 1941 में, ये बुक न्यू क्रिटिसिज्म जो है पब्लिश हुई थी। जॉन क्रॉन रैंसम ऑन्टोलॉजी में भी यही बात करते हैं कि टेक्स्ट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, और न्यू क्रिटिसिज्म में भी यही बात करते हैं कि टेक्स्ट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, एंड ओनली टेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है, सिर्फ टेक्स्ट ही है, फोकस इज ओनली ऑन द टेक्स्ट, वर्ड्स ऑन पेज, बस यही इम्पॉर्टेंट है, उसकी फॉर्म, उसकी लिटरेरी डिवाइसेस, ये इम्पॉर्टेंट है, उसके अलावा हमें एक्सट्रिंसिक चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, हमें इंट्रिंसिक चीज़ों से मतलब है, एक्सट्रिंसिक से मतलब नहीं है, क्योंकि एक्सट्रिंसिक में बाकी इन्फॉर्मेशन आती है, ऑथर की बायोग्राफी, हिस्ट्री के बारे में, जिससे हमें मतलब नहीं है। इंट्रिंसिक में जो फॉर्म है, स्टाइल है, जो आप बोल सकते हैं कि लिटरेरी डिवाइस से वो आती है, इसलिए हमें उससे मतलब है। सो ये है ऑन्टोलॉजी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो इस वीडियो को देखें, न्यू क्रिटिसिज्म के वीडियो को देखें, और अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।